गाइस आप लोग जो वीडियो में रेसिपी देख रहे हैं ना, ये है बिरयानी का राइस। ये बिरयानी नहीं है, सिर्फ बिरयानी का राइस है। तो इसको कैसे बनाया जाता है वो आज मैं आप लोगों को वीडियो में शेयर कर रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो चलो शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो गाइस मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं बनाने जा रहा हूँ आज बिरयानी राइस। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैंने लिया है ये बासमती राइस। इसको मैंने अच्छे से वाश कर लिया था। वाश करने के बाद मैंने इसको पानी में भिगा दिया था। पानी डाल के इसको मैंने आधे घंटे तक रख दिया था। इसके साथ ही मैंने लिया है देखो फ्राई ऑनियन, मैंने इसको फ्राई कर लिया था। साथ में मैंने लिया है रेड कलर और ये हो गया हमारा रोज़ वाटर फ्लेवर के लिए। ये हो गया हरा धनिया, साथ में लिया है मैंने केसर का पानी और ये हो गया पुदीना। तो गाइस हम लोग ना होटल लाइन में सब रेडी करके रख देते हैं। जैसे अभी हम लोग बिरयानी का राइस बना रहे हैं तो इसको हम बना के रख देते हैं, बाद में कितना भी ऑर्डर आता है तो हम उसमें चिकन या वेज या अंडा जो भी है वो मिक्स करके दे देते हैं। तो मैंने चूल्हे में रख लिया है एक हांडी। हांडी में मैंने नमक डाला है टेस्ट के अनुसार। उसके बाद इसमें कुछ खड़े मसाले यूज़ करेंगे हम, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, ये सबको हम अच्छे से बॉयल कर लेंगे पानी के साथ। ये देखिए पानी अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब हम इसको मसाले को निकाल देंगे। मसाले का फ्लेवर जो है ना वो पानी में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो हम इसको मसाले को सेपरेट निकाल लेते हैं। इसके बाद हम जो राइस भिगा के रखे थे उसको हम पानी में ऐड कर लेंगे उबलते हुए पानी में। तो देखिए मैंने राइस को पका लिया है अच्छे से। इस तरह से आपने पका लेना है, ज़्यादा ज़्यादा भी नहीं पकाना है, ज़्यादा कच्चा भी नहीं छोड़ना है, हल्का ये थोड़ा बहुत कच्चा रहना चाहिए क्योंकि हमने इसको थोड़ा दम मारना है। तो मैं इसको निकाल लेता हूँ, छान लेता हूँ सेपरेट। तो गैस राइस को मैंने स्टैंड कर लिया है, अब इसके बाद हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए देखिए मैंने एक हांडी लिया है और इसमें हम राइस डालेंगे। राइस को एक लेयर डाल लिया हमने प्लेन राइस के, इस तरह से राइस डालना अपना। ये मैंने पहली लेयर डाली है राइस की। इसमें हम जो फ्राई किए हुए ऑनियन है वो डालेंगे। इस तरह से फ्राई किए हुए ऑनियन डालना है। फ्राई किए हुए ऑनियन डालने के बाद हम इसमें मिंट डालेंगे, पुदीना, पुदीना डालने के बाद हरा धनिया डालेंगे। हरा धनिया डालने के बाद रेड कलर डालेंगे। रेड कलर डालने के बाद केसर का पानी डालेंगे। ये डाल दिया मैंने केसर का पानी। इसके बाद फिर प्लेन राइस डालेंगे। प्लेन राइस डालने के बाद फिर फ्राई किया ऑनियन डालेंगे। इसी तरह से तीन चार लेयर बना लेंगे। पूरा हांडी भरने के बाद ना इसको क्या करेंगे, कवर कर लेंगे। कवर करके इसको स्लो गैस में हम 10 मिनट तक स्लो गैस में पकाएंगे ताकि जो राइस का फ्लेवर है और मसाले का फ्लेवर है ना राइस में अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब दम लग जाए इसमें। और इसके बाद हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो आप लोग चिकन करी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं और कोई भी ग्रेवी के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो चलिए ये हो गया हमारा बिरयानी राइस का रेसिपी, ये पे ख़त्म। मिलते हैं आप लोगों से एक और नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।